यहाँ पे रुके हुए थे जी। हाँ, हम लोग नाइट यहाँ स्टे किए थे। प्रसाद मिल रहा है दोस्तों, तो हम लोग पहले दर्शन करके आएंगे फिर गाएंगे। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे कितनी लंबी लाइन है, आपको दिखाता हूँ। यहाँ से लग रहे ना महाकाल के भक्त, साधारण महादेव बोलो हेलो कर रहे हो। तो दोस्तों देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ यहाँ पे, और महाशिवरात्रि। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग जा रहे हैं नदी की ओर, और अभी मैं कर रहा हूँ शूट अपने सुजीत भाई के फ़ोन से, क्योंकि मैं आज बहुत ज़्यादा बैटरी का दिक्कत होने वाला है। दोनों कैमरे की बैटरी ज़्यादा फुल चार्ज तो नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है भाई चार्जिंग का। तो हम लोग ले दे के चार्ज कर करके हम लोग कल से अपना जो है मेरे को पावर बैंक लाना था, समय व्यतीत कर रहे हैं। और अभी फ़िलहाल जा रहे हैं नदी की ओर, ब्रश व्रश करेंगे, नहाएंगे धोएंगे, और कुछ अच्छा वाला एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो बने रहिए ब्लॉग पे दोस्तों, आज बहुत मजा आने वाला, बहुत ज़्यादा वीडियो होगा जब बहुत सारे आप लोगों को कुछ फर्स्ट टाइम में आया हूँ तो हर कुछ आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे सस्ता वाला दोनों भैया, 10 वाला 5 वाला नहीं दे दीदी। अरे दूठन दोनों जीबी कत करो दीदी, ऐसे करो वो दीबी 5 रुपया 10 10 20 30 रुपये पटा दे भाई। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग 30 रुपये खर्चे हो गए, हम लोग ब्रश भूल गए। ये मेरे ATM भाई, चल पेमेंट कर दे। तो सुबह सुबह दीदी की दुकान आ गए हम लोग, और राजीव का ये हाल देख सकते हैं। अभी सुबह मॉर्निंग के 6 बजने वाले हैं, और काफ़ी ज़्यादा अब भीड़ भाड़ होने वाला है आज। और सुबह सोचने लग गया हम लोग 300 रुपये का, तो क्या कहना अभी आपका। तो हम अपने फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुँच गए, मतलब रिवर पे पहुँच गया। और लोग यहाँ पे नहाएंगे, और जेरी क्या रहा तो भाई पता नहीं, हम लोग सोए हैं कि नहीं सोए हैं। और ओहो यहाँ का मतलब ऐसे जगहों पे मेरा ये तो फर्स्ट टाइम है ये सब करना, अभी नहाना अभी। तो ज़िंदगी कुछ कुछ नए नए एक्सपीरियंस आज मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ अपना। और मैं जनरली तालाब में भी नहीं नहाता, मैं घर पे ही नहाने की आदत हो गई है। फ्रेंड्स फाइनली हम नहा लिए, और फर्स्ट टाइम मतलब काफ़ी सालों बाद मतलब आज नदी में आउटर में नहाना हुआ है, और मज़ा आ गया भाई बोलो तो। अभी हम लोग रिवर में हैं, और अक्षय तो ये बचा हुआ है, अभी नहीं नहाया। हम लोग अभी नहा लिए सुजीत के साथ, तो अभी हम लोग जाएंगे मंदिर की ओर और पूजा पाठ करेंगे। और आज शिव रात्रि है, और बहुत बड़ा दिन है शिव भक्तों के लिए, और हर हर महादेव। तो मिलते हैं गाइस, तो बने रहिए वीडियो पे कंटिन्यू, आज बहुत अच्छा लगने वाला है। और यहाँ का फर्स्ट टाइम राजीव मेला मैं आज दिखा रहा हूँ, और मैं खुद ही यहाँ का फर्स्ट टाइम हर चीज़ एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। तो मॉर्निंग का ये नज़ारा, और काफ़ी प्यारा सा, और राजीम का ये नज़ारा। तो फ्रेंड्स यहाँ भी अभी देख सकते हैं, ये अभी कुछ देर बाद देखना यहाँ का माहौल क्या होने वाला है। फिलहाल ये अभी मॉर्निंग में ही ऐसा आपको नज़ारा है, और यहाँ से हम कल नाइट में मेला का आनंद ले थे, और क्या ही मतलब तबाही वाला सीन था। मतलब इतना भीड़, और आज तो बोलते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, हम लोग फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, तो आज हम देखेंगे। और फिलहाल सब अपने अपने अभी थोड़ी देर बाद अपने अपने बिजनेस में लग जाएंगे, मतलब जितने भी भैया लोग हैं सभी लोग अपना अपना धंधा पानी स्टार्ट कर देंगे। तो गाइज हम लोग ना रात को यहाँ पर रुके हुए थे जी, हाँ हम लोग नाइट यहाँ स्टे किए थे, और बहुत ही अच्छी नींद पड़ी भाई। क्यों मज़ा आ गया, रिफ्रेश हो रहा है। दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं राजीव रोशन मंदिर, और सुबह सुबह राजीव रोशन मंदिर जा रहे हैं मेरे भाई, और थोड़ा सा क्वालिटी मिक्सअप हो सकता है क्योंकि मेरे कैमरे की बैटरी कम है, तो मैं अपने सुजीत भाई के फ़ोन से भी ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। ये राजीव रोशन मंदिर लेफ्ट साइड है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। बारह मासी पर्वों का श्रृंगार दर्शन,
तो दोस्तों अभी हम लोग थोड़ा सा राजीव मिश्र मंदिर नहीं जा रहे हैं, उससे पहले जा रहे हैं कुलेश्वर महादेव जी का मंदिर, जो कि यहाँ का मतलब शिव जी का मुख्य मंदिर है राजीव का। तो फिलहाल हम लोग अभी जा रहे हैं और अभी लक्ष्मण झूला के पास में राजीव के, तो थोड़ा सा आपको बैक व्यू से दिखाता हूँ कैसा नज़ारा है यहाँ का। तो कुछ ऐसा व्यू है, अभी हम लोग नदी पे ही हैं। राजिम का माघ पूर्णिमा का मेला संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ के लाखों श्रद्धालु इस मेले में जुड़ते हैं। माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक 15 दिन का भव्य मेला लगता है। पहले इसे राजिम कुंभ मेला के नाम से जाना जाता था, अब इस मेले को राजिम माघी पुन्नी मेला कहा जाता है। प्रसाद मिल रहा है दोस्तों, तो हम लोग पहले दर्शन करके आएंगे फिर जाएंगे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे। क्या खूबसूरत सा नज़ारा है दोस्तों, राजिम का माघ पूर्णी मेला और शिवरात्रि का दिन, जी नहीं महाशिवरात्रि का दिन। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे कितनी लंबी लाइन है, आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। इसलिए मंदिर जाने का जो मार्ग है यहाँ से है, और लाइन जो है और काफी ज्यादा पीछे है, लंबी लाइन है यहाँ पे। भाई चलो लाइन लगते हैं। लग रहे ना महाकाल के भक्त, मस्त टीका वीका लगा के। तो अभी हम लोग लाइन लगे हुए हैं और काफ़ी लंबी लाइन है। तो भाई इतने भक्त हैं महाकाल के, इतनी लंबी लाइन तो होगी ऑब्वियसली, तो बने रहिए ब्लॉक पे। अभी हम लोग लाइन पे ही हैं, तो थोड़ा सा हम बैटरी को सेव करते हुए चल रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा स्किप करते हुए जाएंगे। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे माघ पूर्णिमा मेला राजिम महाशिवरात्रि का दिन, और अभी का नज़ारा ये लगभग 7:20 हो रहे हैं अभी सुबह के, और जैसे जैसे समय बढ़ते जाएगा और ज़्यादा भीड़ होती जाएगी यहाँ पे। और अके भाई का मुंह तो उतर गया है, मेरा मूड नहीं हुआ है तो टेंशन मत लो भाई, सब पेंशन बचे ना तो उसी को भी ले लो आप। हाँ भाई यार दोस्तों यहाँ पे पूरी लूट ही लूट मची है भाई, मैं तो अक्षय को बेचारे लूट लिए रो रहा है बेचारा। वो ओ भैया जी छत्तीसगढ़ वाले भी आ गए। हम लोग अभी हाँ तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं अंदर, और यहाँ से मंदिर अब पूरी कुछ दूरी पर है, और काफ़ी ज़्यादा भीड़ यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे एक सर मिले हुए हैं जो राजिम से बिलोंग करते हैं। नमस्ते सर। सर आपका नाम क्या है? मुखराज सर। तो सर हमारी जो कुलेश्वर महादेव जी के मंदिर के बारे में हमें कुछ बताइए कि, और राजिम मेले के बारे में कुछ हमें हल्की सी कुछ जानकारी दीजिए हमारे दोस्तों को। मेरा उम्र करीब 56 साल है, मैं यहाँ शुरू से आता रहा हूँ। ये मंदिर का निर्माण 8वीं और 9वीं शताब्दी। अच्छा। माता सीता राम लक्ष्मण इस यवन गमन पथ है, ब्रह्मा शिष्य आश्रम है 50 कदम की दूरी में, वहाँ वे लोग रुके हुए थे। माता सीता ने यहाँ तट में, तट से पहले भूस्खलन होते रहे मिट्टी बाहर से, नदी तट में मंदिर नदी में आ गया, तो उन्होंने रेत से शिवलिंग बनाई थी।
जो पांच मुखी वाला था, पांच मुखी का अभी पुरातत्व विभाग में पतला होगा, क्षरण होता रहा, गुलाल बंधन से क्षरण होता है उसका, तो उसको पुरातत्व विभाग में पैक किया गया, पांच मुखी था वो, अभी पैक हो गया। और बरसों से आ रहा है, कई वर्षों से, पता नहीं हमारे पूर्वजों से जी, पूरे भारत से, पूरे भारत के पहले कुंभ का आयोजन होता था बीजेपी गवर्नमेंट के समय में। अच्छा, अभी तो पूरे भारत वर्ष में इसके प्रचार प्रसार हो चुके, काफ़ी विदेशों से आते हैं, विगत 10-20 वर्षों से, अभी ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रिया और कनाडा, और यहाँ से सैलानी आए हुए हैं, प्रति वर्ष आते हैं, काफ़ी खुश रहते हैं, देखते हैं यहाँ की सभ्यता संस्कृति के बारे में। छत्तीसगढ़ का ये सबसे बड़ा मेला माना गिना जाता है, मेला आका शब्द जोड़ दो अनुसार है ना, मेला मतलब बहुत सारे पब्लियों का समूह। अच्छा, है ना, विभिन्न सभ्यता संस्कृति का एक मेल मिलाप जी, लोग काफ़ी रोमांचित और खुश हो जाते हैं, यहाँ की आबोहवा ही अच्छी है। यहाँ पर आसपास और बहुत सारे पर्यटन स्थल है, जैसे चंपारण है, चंपेश्वर महादेव, पंचकोसी धाम है यहाँ, जैसे प्रयाग कहते हैं ना वहाँ इलाहाबाद, तो यहाँ भी प्रयाग है, पंचकोसी धाम, कुलेश्वर, पंचेश्वर, बुद्धेश्वर, पटेश्वर, ब्रह्मेश्वर और फणेश्वर नाथ, ये आसपास बस 15-15 किलोमीटर के अंतराल में है, पांच कोस, तो काफ़ी पब्लिक यहाँ आते जाते हैं, बहुत अच्छा होता है, मन्नतें पूरी होती हैं जी। धन्यवाद सर जी आपका। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ के अभी रुके हुए हैं, यहाँ से भैया गेट खोलेंगे, फिर जाएंगे आगे की ओर, और काफ़ी ज़्यादा भीड़, और अच्छा ग्रो, हर हर महादेव, और रो रहा है भाई आज, कौन रो रहा है, मैं नहीं रो रहा बिल्कुल। दोस्तों, बने रहिए ब्लॉग, पता है अभी भी बहुत लंबी हो रही है, कि बहुत लंबी होगी आज का ब्लॉग, काफ़ी ज़्यादा लंबा होगा, क्योंकि यार बढ़िया सा ब्लॉग बनाने के लिए भाई टाइम ड्यूरेशन तो ज़्यादा लगता ही है। नीचे से यहाँ अंदर की ओर आ चुके हैं, और यहाँ पे हम लोग यहाँ अंदर आ चुके हैं, अब प्रवेश पास ही मंदिर पास ही आ गए, तो चलिए फिर दर्शन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ का हर चीज़ दिखाता हूँ। अभी हम लोग ना अंदर से दर्शन आ गए, और अभी यहाँ का मैं आपको जो त्रिवेणी संगम का है, यहाँ का मैं आपको नज़ारा दिखाता हूँ, इसको त्रिवेणी संगम बोलते हैं, यहाँ पे तीन नदियों का उद्गम मतलब पवित्र स्थल है यहाँ पे। सोंढूर पैरी और महानदी के त्रिवेणी संगम तट पर स्थित कुलेश्वर महादेव का मंदिर इस मेले का मुख्य आकर्षण का केंद्र है, और महाशिवरात्रि के दिन यहां लाखों की संख्या में श्रद्धालुगण आते हैं। कहते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य के राजिम क्षेत्र राजिम माता के त्याग की कथा प्रचलित है, और भगवान कुलेश्वर महादेव का आशीर्वाद इस क्षेत्र को प्राप्त है, इसीलिए इन दोनों ही कारणों से राजिम मेला आयोजित की जाती है। पुलिस कंट्रोल रूम, जो कि हमेशा हमारे सहायता के तत्पर रहते हैं, और यहाँ पे जो कार्यक्रम होते थे वाला स्थल ये है, और ऐसा व्यू है। तो हम लोग पहुँच चुके हैं राजिम रोशन मंदिर के अंदर, और श्री राम भगवान के कितने सुंदर सुंदर यहाँ पे चित्र बनाए गए हैं। तो दोस्तों, अभी हम लोग आए हैं श्री राम वाटिका,